हेलो हेलो मैं हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं दिव्यम? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? सर लास्ट टॉपिक हमने रॉल्ट्स लॉ किया था एंड डल्टन्स लॉ आपने थोड़ा सा समझाया था। अच्छा, डेल्टन्स लॉ में बस मैं यही बताऊंगा कि क्या होता है बेसिकली। यस डेल्टन्स सर। लॉ में गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा आपने। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है, ये एक कंटेनर है अपने पास। एक्सक्यूज हाँ हेलो, मी सर, सर आप मुझे एक बार वेपर प्रेशर से फिर से समझा देंगे, जैसे एक एक पहले और टॉपिक था, तो एक बार वेपर वेपर प्रेशर से फिर से समझा दीजिए। वेपर प्रेशर। यस सर। चलिए मैं उसके बाद वो शुरू करता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है। अब इसमें जैसे हीट करेंगे किसी भी चीज को, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तभी वो वेपर में चेंज होगा, ठीक है। बेसिकली सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ए ए ए पूरा लिक्विड है, ठीक है, यहाँ तक लिक्विड फिल्ड है। दो टाइप के भी हो सकते हैं, एक टाइप का मैंने अभी कंसीडर कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया कि टेम्परेचर यहाँ इसका इंक्रीज किया, ठीक है, बेसिकली इसको हीट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, और जो नीचे होते हैं उसको हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल। बीच में होते हैं जो, उसे हम क्या कहते हैं, बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवापोरेशन होता है बेसिकली वो किसका होता है, सरफेस मॉलिक्यूल एवापोरेट करते हैं, ठीक है। ये क्यों एवापोरेट करते हैं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और या फिर ये भी कह सकते हैं आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर लेस, ठीक है। एक्चुअल में ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है आपके, ठीक है, वो भी पहले नीचे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये होता है सरफेस मॉलिक्यूल बेसिकली, तो यहाँ पे जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट देना शुरू किया, तो वहां पे उनको एनर्जी मिला, और जब उनके पास एनर्जी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ऊपर निकल जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मूव करना ज्यादा तेजी से शुरू करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और फिर ये यहाँ सरफेस पे पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेपर में चेंज होगा, अगर ये क्लोज है तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और ओपन है, अगर क्लोज नहीं है तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। समझ आया दिव्यम? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जब बात होती है, जैसे यहाँ पे ए लिया था सपोज, इसमें बी 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 होगा, तो जो सरफेस पे पहुंच जाएगा उसको सरफेस मॉलिक्यूल कहेंगे, और वही वेपर में चेंज होता है, ठीक है। फिर बल्क मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी एनर्जी गेन करते हैं, उनको भी एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करके आपने जो दिया है, वो भी सरफेस पे जाते हैं, फिर उसे सरफेस मॉलिक्यूल कहा जाता है, फिर वो भी एवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये अच्छे से क्लियर है। यस सर। अब यहाँ बात आती है डेल्टन्स लॉ की, ठीक है। अब ये जो डेल्टन्स लॉ है, ठीक है, ये क्लास 11th में आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में। जैसे सपोज यहाँ बहुत सारे गैसेज है इस कंटेनर में, ठीक है, ए बी सी टाइप के गैसेज है, तीन टाइप के गैसेज हैं, ठीक है। अब ये जहाँ होगा, जैसे ये इधर अपना प्रेशर लगाएगा, ये अपना, जितना भी अपना अलग अलग प्रेशर लगाएंगे कंटेनर के वॉल्स पे, ठीक है, बात समझ आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर के सम के मतलब जैसे बराबर वॉल्स होगा। हैं,
मतलब फोर डायरेक्शंस में वो प्रेशर हाँ लगाएंगे, तो साइडवेज एंड अप एंड डाउन। हाँ उसके बारे में नहीं सोचिएगा। लाइक प्रेशर क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स पढ़ा होगा ना आपने। प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। हाँ स्केलर है स्केलर, ना वेक्टर, तो स्केलर में जब भी हमें चीजें यूज करना होता है उसको क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं। जब सम करते हैं तो सबको ऐड करते हैं। जैसे सपोज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने देखा होगा, डिस्टेंस टोटल अगर कैलकुलेट करना है तो किसी भी डायरेक्शन में जाए बस ऐड करते जाइए ऐड करते जाइए। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो हम डायरेक्शन देखते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते हैं। समझ आया। यस हाँ तो ये स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, वैल्यू टोटल प्रेशर का आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे। फोर्स क्या होता है, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स होता है ना, इस डायरेक्शन में मैंने लगा दिया 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में मैंने लगा दिया 20 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो कितना होगा, 10 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा कि नहीं। यस सर, जबकि यहाँ पे अगर सपोज डिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ, मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, और फिर सपोज वापस आया इधर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 30 किलोमीटर होगा कि नहीं। जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 10 किलोमीटर है, तो पहले 10 किलोमीटर इधर गया। 20 हुआ ना। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले 10 किलोमीटर इधर गया और फिर 10 किलोमीटर वापस आया 20, और यहां से यहां तक मैंने अभी क्या बताया, 10 किलोमीटर है, तो टोटल कितना होगा, 30। ये 30 कैसे हुआ, समझ आया। ये दोबारा डायग्राम बनाओ। यस सर, तो ये होता है आपका डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ का ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो, किसी एक का प्रेशर निकालना हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट जिसका हम प्रेशर निकाल रहे हैं। ये एक फॉर्मूला दिया है किसने, डेल्टन्स लॉ ने। ठीक है, फिर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन किसका, बी का। समझ आया। यस सर, तो इसमें डेल्टन्स लॉ में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, और अगर टोटल प्रेशर गिवन है तो पार्शियल प्रेशर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। क्लियर है। तो ये यस सर, हम इसको डेल्टन्स लॉ। ठीक है, यस सर, तो अब अपना मैंने वो करा दिया था क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सर आपने दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल का, बट वो एक्सप्लेन नहीं किया था, छोटा सा ग्राफ बन रहा था बट उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अच्छा, तो मैंने आपको रॉल्ट्स लॉ डिराइव किया था, ये वाला पार्ट डिराइव किया था, PT इज इक्वल टू PA प्लस यस PB, सर, यस ये सर, कराया रॉल्स था लॉ ना। डिराइव करवाया था। यस ठीक है, सर, P नॉट A जेटा A प्लस P नॉट B जेटा B, ये यस सर, करवाया ये था ना। कराया था। ठीक यस है, सर, फिर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में एक फॉर्मूला लिखा था, जेटा B इज इक्वल टू P नॉट, एक मिनट रुक जाइए, वहां पे एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिखिए जरा। मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया हो तो बताइएगा। इफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 9.2 ग्राम
ऑफ टोलीन C6H5CH3 आर मिक्स्ड. फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन टोलीन एंड टोटल वेपर प्रेशर. इफ पी नॉट बेंजीन इज 200 mmHg, पी नॉट टोलीन टी फॉर टोलीन 100 mmHg. ये हो जाएगा या मैं बताऊं? सर एक बार बता दीजिए प्लीज. ओके, देखिए इसमें जो जो चीजें दे रखा है ना उतना देखिए. इफ 7.8 ग्राम ऑफ C6H6, 9.2 ग्राम ऑफ C6H5CH3 टोलिन आर मिक्स्ड, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन. ये बेंजीन का फॉर्मूला है पता ही होगा, और ये किसका है? टोलिन का है. एंड टोटल वेपर प्रेशर. देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू जेटा बी अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, यही होगा ना. और पीटी की जब बात करें तो पीटी इज इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट टी जेटा टी, यही होगा ना. अब यहां देखिए पी नॉट बी यहाँ गिवेन है, पी नॉट टी यहाँ गिवेन है. अब ये जेटा बी क्या होता है आपका, ये बताइए जरा. जेटा बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा वो रॉल्ट्स लॉ. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यही होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप निकाल सकते हैं कि नहीं? सर बेसिकली एक्स निकालना है ना वहां पर, तो हाँ एक्स निकालना है. एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है ना. यस सर. और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना होता है? जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना होता है उसी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होता है. यस सर. तो जल्दी निकाल सकते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन निकाल के बताइए कितना आया. और ये भी अगर ना हो पाए तो बताइए, मैं करता हूँ. बेंजीन का मोलर मास कितना है? 10 आ रहा है. 10. 10 क्या आ रहा है? मोल फ्रैक्शन. यस सर, क्योंकि सर मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 होता है एंड हमें गिवन है कि 7.8 ग्राम C6H6 यूज हो रहा है. तो आपने किया गिवन मास अपॉन मोलर मास 78, सॉरी 7.8 अपॉन 78, ये किया आपने. सर मैंने 78/7.8 किया मोलर मास अपॉन में गिवन मास.
ये किस चीज का फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन का? नहीं सर, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का भी नहीं, ये भी गलत है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना। यस सर, मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा नहीं, बहुत उल्टा कर दिया आपने, ये भूल गए क्या? तो जैसे C6H6 है तो फिर हम उनके बीच जो एक बैलेंस शेल बनता है वहां से लेंगे ना, कि जो 6 बनता है वो बैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल की एक बार बात से आप कहाँ से बता आ गई? दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात किया है ना, यहाँ देखिए हम सबसे पहले बेंजीन की बात करते हैं सही से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी नॉट बी, पी नॉट बी का वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये पी नॉट क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यही कहते हैं ना, जिसमें भी नॉट आता है वो प्योर हो जाता है। इसका वैल्यू है 200, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन, जो चीजें प्रेजेंट होती हैं टोटल उनको डिवाइड कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं? यस सर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन की जब बात करेंगे तो कितना होगा, गिवन मास 7.8 और मोलर मास आपने निकाला 78, यानी ये कितना आ गया, 1/10 मोल्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन करेंगे तो गिवन मास अपना 9.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास है अपने पास, मोलर मास कितना है 92, यही है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/10 मोल्स, यही आएगा ना। अब बस वैल्यू रख देंगे, 200 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 1/10 यहाँ आया है, यानी 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन फिर से 0.1 प्लस ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन, ये क्या हो जाएगा, 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 आएगा, ठीक है। यस सर। अब इससे क्या कर देंगे हम, इसको डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, 200 इंटू 1/2, तो ये जो आपका आ रहा है पार्शियल प्रेशर किसका, बेंजीन का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ गया, 100 mmHg आ गया कि नहीं? यस सर। अब देखिए ऐसे ही अगर हम दूसरा वाला करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, ठीक है। इसका वैल्यू गिवन है 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने दे रखा है इसका वैल्यू कितना है, 100 mmHg, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन प्लस दूसरा क्या प्रेजेंट है, बेंजीन, तो यहाँ रख देंगे बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 100 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन कितना आया था, 0.1 ही आया था, अपॉन में टॉलिन का कितना आया था, 0.1 प्लस ये कितना आया था, 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो 100 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 0.2, फिर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे तो 100 इंटू 1/2 यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन आ रहा है अपने पास वो कितना आ रहा है, 250 × 100, ये आ गया आपका 50 mmHg, आ गया कि नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपसे पी टोटल जो होता है उसमें जो भी चीजें प्रेजेंट है पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, तो यहाँ पे पी टोटल जो होगा, यहाँ दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो बेंजीन और दूसरा टॉलिन, बेंजीन कितना आया अपने पास पार्शियल प्रेशर 100 और टॉलिन कितना आया आपका 50, तो ये कितना हो जाता है 150 mmHg, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया टोटल प्रेशर। आसान है एकदम, देखिए सारे क्वेश्चंस इसी पे बनेंगे, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, फिर यहाँ पे आ जाएगा पीए का वैल्यू पता है आपको, पी नॉट ए जेटा ए, पीबी का क्या होगा, पी नॉट बी जेटा बी, यही तीन फॉर्मूले हैं आपका, ये पार्शियल प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए, ये टोटल प्रेशर के लिए, ठीक है।
स्लाइड चेंज करूं क्या? लिख लिया आपने? यस सर, कर दीजिए। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फिर। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। वेट वेट, इथेनॉल और मीथेनॉल को हमने कर दिया मिक्स, ठीक है, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। यहाँ पे इथेनॉल का हमने लिया 3 मोल और इसका लिया हमने 1 मोल मीथेनॉल का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी नॉट ई, ठीक है, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो दे रखा है वो दे रखा है 55 या 50 mmHg ले लेते हैं, 50 mmHg, और पी नॉट एम यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल जो है उसका हमने ले लिया 40 mmHg। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड टोटल वेपर प्रेशर यानी पीटी निकालना है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल। ये पीई का मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, और पीएम का मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल, और टोटल वेपर प्रेशर जस्ट लाइक प्रीवियस वन। ये वाला अटेम्प्ट करिए आप। दिव्या हम आप ट्राई कर रहे हैं? यस सर। ओके सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, पी निकालने की कोशिश पीएम, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो इन दोनों का सम ही तो होगा। यस सर। पी आया ये वाला, ये वाला और आसान है। पिछले वाले में तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था। टेक योर टाइम।
टोटल वेपर प्रेशर सर 47.5 आ रहा है। और पार्शियल प्रेशर इथेनॉल का? इथेनॉल का सर 37.5 है एंड मेथेनॉल का 10 है। मिथेनॉल का 10 है। चलिए एक बार देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ई जेटा ई। ठीक है, पी नॉट ई कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, इनटू जेटा ई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो ये 50 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 3 है, अपॉन में ये 3 + 1, डायरेक्ट 4 लिख देता हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका 150/4। तो ये कैंसिल करेंगे तो 4 3 12, और फिर 30 हो जाएगा, 4 7 37.5। वेरी गुड, ठीक है, 37.5 mmHg आ रहा है ना। यस सर। ऐसे ही पीएम निकालेंगे तो पीएम इज इक्वल टू पी नॉट एम जेटा एम आ जाएगा। पीएम का वैल्यू की पी नॉट एम का वैल्यू कितना है, 40, और इसका मोल फ्रैक्शन 1/4 आएगा, तो ये आपका मिल जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 10 mmHg, इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा किसका, मिथेनॉल का, और टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो 47.5 mmHg। यही आया ना आपका, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगा के क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे एक्स है कुछ और यहाँ पे वाई है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके एक में हमने बनाया है 2 मोल्स और इसको रख दिया हमने 3 मोल्स, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया 3 मोल्स और इसको कर दिया मैंने 2 मोल्स। जब मैंने 2 मोल्स और 2 मोल्स ऑफ एक्स और 3 मोल्स ऑफ वाई लिया था, तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर था उस टाइम था ये 500 mmHg, और जब मैंने 3 मोल्स ऑफ एक्स और 2 मोल्स ऑफ वाई लिया है तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर जो है 400 mmHg है, ठीक है। तो हमें जो निकालना है, फाइंड प्योर प्रेशर ऑफ एक्स एंड प्योर प्रेशर ऑफ वाई, ये दोनों निकालना हमें। सर आप ये वाला प्लीज बता दीजिए। बहुत आसान है, ये देखिए, देखिएगा खुद ही देखिए, यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट टोटल वेपर प्रेशर का हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स और वाई के टर्म में दिया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई लिख सकते हैं हम लोग, बस बोलते जाइए मेरे साथ साथ। पीटी, पीटी कितना दे रखा है, 500 mmHg, तो पहले वाले में 500 ले लेते हैं। पी एक्स का मतलब पी नॉट एक्स इंटू पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस पी वाई का मतलब पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई हो जाएगा कि नहीं। यस सर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर रहा हूं मैं, 500 को राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूं, तो पी नॉट एक्स इंटू, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स की जब बात करेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स होगा, तो यानी मोल्स ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल्स 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, 2/5 आएगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे सर क्या बट लिख, जैसे यहाँ पे मोल्स ऑफ एक्स है, हमें दो अलग सिचुएशंस में दिया हुआ है कि एक बार एक्स टू हाँ मोल्स यील्ड करता है और एक बार तीन करता है, तो फिर हाँ तो टोटल मोल्स एक्स बस फाइव करता है ना, तो उस तो हिसाब से। नहीं, ये देखिए हमने केस वन ले लिया, सबसे पहले पहला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली आपका सेम है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सेम है, बस उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहा है, जिसके वजह से प्रेशर पे डिफरेंस पड़ रहा है, टोटल प्रेशर पे। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, और जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। जैसे सपोज अब इसमें इस वाले चीज को देखिए, अगर एक्स का 2 मोल लिया है और वाई का 3 मोल लिया है तो 500 mmHg है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वाई का मोल कम कर दिया और एक्स का मोल कम ज्यादा कर दिया, तो 400 mmHg। अब इस सवाल में ये भी पूछ सकता है कि कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, एक्स वॉलेटाइल है ज्यादा या वाई वॉलेटाइल है, बताइए। एक्स एक्स जब 2 मोल था, ठीक है, तो 500 mmHg, एक्स जब 3 मोल्स हुआ तो 400 mmHg, ठीक है। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स किसी का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वाई है तो वाई यहाँ पे ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई को डिक्रीज किया तो टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है। ठीक है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बनना चाहिए, प्रेशर किसके किसमें ज्यादा बन रहा है, ऊपर वाले केस में। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें ये भी पूछ सकता है कौन ज्यादा वॉलेटाइल है कौन कम वॉलेटाइल है, जिसमें जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। हेलो, ओके सर। अब देखिए मैंने पहला वाला केस ले लिया, पहले वाले केस में PT इज इक्वल टू PX + PY, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स एंड पार्शियल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई। अब फिर इसका फॉर्मूला लिख दिया और मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब पहले वाले केस में इसका मोल फ्रैक्शन देखेंगे 2/5 आएगा, और इसका मोल फ्रैक्शन जब देखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/5 आएगा कि नहीं। यस सर। अब बस यहाँ पे पी नॉट एक्स लिख दिया और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आया था, 2/5, तो यहाँ पे 2/5 प्लस पी नॉट वाई लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आया था इसका, 3/5, तो मैंने लिख दिया 3/5, और टोटल प्रेशर कितना था, 500, तो मैंने यहाँ लिख दिया 500। लिख सकते हैं। यस सर। अब बस यहाँ देखिए, यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। अब चूंकि ये 5 है ही और नीचे भी 5 है, ये क्या हो जाएगा, 2P0X प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3P0Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा 2P0X + 3P0Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2500। यहां तक समझ आया। अब हम देखिए दूसरा केस लेंगे, दूसरे केस टू लेते हैं हम, ठीक है। केस टू में भी हमें पता है कि PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PX + PY, ठीक है, और यहाँ पे P0X into zeta X + P0Y into zeta Y, ठीक है। अब देखिए P नॉट का तो वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, अब इसका मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट Y का भी वैल्यू हमें निकालना है इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, दे रखा है। यस सर। अभी इसका वैल्यू देखिए, अभी पीछे जाके मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पीछे चलेंगे दूसरे वाले केस में आइए, दूसरे वाले जब केस में हम पहुंचेंगे, ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा 3/5 होगा कि नहीं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, 3/5 होगा कि नहीं। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन अगर निकाले हम तो ये 2/5 होगा कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, बस एक 3/5 है ये वाला, और ये वाला कितना है, 2/5 है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेंगे हम, एलसीएम ले लिया हमने, तो 3P0X + यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2P0Y इज इक्वल टू 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 3P0X + 2P0Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यस सर। अब बस सॉल्व हो गया, इसे दोबारा लिखता हूं मैं, 2P0Y इज इक्वल टू 2000 इधर आ गया, और पीछे वाले जो रिएक्शन इक्वेशन था अपने पास 2P0X 3P0Y, 2P0X
थ्री पी नॉट वाई इज इक्वल टू 2500। दो इक्वेशन, दो अननोन दिख गया आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास टेंथ में ही पढ़ा था आपने। इस वाले को क्या करिए आप, इस वाले को मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाले को मैंने क्या किया, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स पी नॉट एक्स प्लस टू टू जो फोर पी नॉट वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4000 यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स पी नॉट एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, नाइन पी नॉट वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 7500। अब इसको हम कर रहे हैं माइनस, तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5p0y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करिएगा, कितना आएगा अपने पास, माइनस का 3500, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा p0y इज इक्वल टू 3500 अपॉन में 5, तो 5 7 जा, तो यहाँ पे जो P नॉट वाई का वैल्यू आया अपने पास, P नॉट वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 700 mmHg। और P नॉट बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में पहले केस वन लिया और उसका पार्शियल प्रेशर निकाला इन इक्वेशन, फिर वैसे ही हमने सेकंड केस में क्या, फिर इन्हें उन्हें इक्वेट कर दिया है ना, जी इक्वेट नहीं किया, दो इक्वेशन और दो अननोन निकाला है। जैसे पहले वाले इक्वेशन से ये निकला था अपने पास, दूसरा वाला अपने पास ये रहा। अब हमें दिखा कि दो इक्वेशन बन गया है, दो अननोन है, तो इजीली निकल जाएगा। क्लास टेंथ में पूरा क्वेश्चन किया था आपने इस पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड बेस्ट पार्ट होता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे पी नॉट एक्स का वैल्यू निकालना है, देख लीजिए ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था, कोई भी इस वाले इक्वेशन में ही कर दीजिए, ठीक है। 3 इंटू पी नॉट एक्स लिख दीजिए, 2 इंटू पी नॉट वाई का वैल्यू कितना है, 700, तो यहाँ 700 कर देंगे इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ देख लीजिए 3 पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 2000, ये है, ये 1400 हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा, 600 बचेगा कि नहीं, 2000 माइनस 1400 बस। तो पी नॉट एक्स जो सॉल्व करेंगे वो कितना आ जाएगा, 3 टू जस 6 200 mmHg आ गया। कॉन्सेप्ट अपना सेम लग रहा है हर चीज, ये रॉल्स लॉ बहुत आसान है, इसी पे खेला जाएगा रॉल्स लॉ पे। अब उसमें कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया, अभी मैं एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, उसमें देखिएगा। इसका सॉल्यूशन लिखा आपने, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी जी बताइए। तो मेरे ना वॉइस कट गया था, तो आपने आई थिंक जो दो तीन लास्ट की लाइनें कही ने, बस फिर रिपीट कर दीजिए सर, रॉल्स लॉ के बाद आप कहते हैं ना। हाँ देखिए, इसमें बस रॉल्स लॉ में इसी पे क्वेश्चंस बनेगा, अब इसे टफ करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना यही रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। देखिए मैथ्स हमारा कब आया, जब कॉन्सेप्ट हमने लगाया उसके बाद ही हमारा एक मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना, ठीक है। तो आपको कभी भी नए क्वेश्चन मिले उसे ट्राई करिए, एटलीस्ट ये देखिए कि आपको कहाँ तक जा पा रहे हैं, ठीक है। यस सर, चलिए स्लाइड चेंज करूं सर, एक सेकंड सर। ओके यस सर, चलिए एक एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन दे रखा आपका कि दो चीजों का मिक्स है, एक सॉल्यूशन बेंजीन प्लस टॉलिन, उसमें पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर का एक इक्वेशन दे दिया। पीटी का मतलब यही हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसमें 100 प्लस 60 जेटा बी, जेटा बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। ये नहीं हो तो बता दीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, यस मैं एक सेकंड रिकनेक्ट कर रहा हूँ, बाबा ना मेरा आई थिंक ऑडियो जा रहा है, ऑडियो एंड वीडियो जा रहा है, मैं एक सेकंड रिकनेक्ट ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, करिए। दिव्यम, एम आई ऑडिबल? सर प्योर वेपर प्रेशर में कुछ फर्क आ जाता है? हाँ, प्योर वेपर प्रेशर में फर्क आ जाता है। जैसे आपने पार्शियल प्रेशर देखा होगा, लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ कर रहे थे हम लोग? हाँ, इधर देखिए, यहाँ प्योर वेपर प्रेशर 200 mmHg था, यहाँ प्योर वेपर प्रेशर 100 mmHg है। लेकिन जब आपने, सर जी स्लाइड शो हो रहा है आपको? सर सर मैं पता नहीं आपने कैसे किया, बट मैं आया था नहीं मीटिंग में, मतलब मैं मीटिंग में नहीं था, तो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? दिख रहा है ये बेंजीन प्लस टॉलिन? यस सर, तो मैं पूछ रहा था कि सर प्योर वेपर प्रेशर कुछ अलग होता है, मतलब उसमें कुछ और अलग तरीके से करना होता है? नहीं, देखिए यहाँ पे बस मैं इतना दिखाना चाह रहा था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या है, प्योर वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है, जब ये अकेला एक कंटेनर में प्रेजेंट होगा तभी प्योर वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। हमने पार्शियल प्रेशर निकाला, डिक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया है, इसमें क्या है, पीटी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 जेटा भी दे रखा है, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, टॉलिन प्लस बेंजिन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं टॉलिन इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस ये, क्या ये सही होगा इस इक्वेशन के लिए? ये बताइए आप, क्या इस क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन सही है? दिव्यम, यस सर, क्योंकि ये सही है ना? देखिए मैं ये इसलिए लाया हूं क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दे रखा, हमें एक इक्वेशन दे रखा है, तो बेसिकली इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसे ही सॉल्व करके हम कंपेयर करेंगे तभी आंसर आएगा, और किसी तरीके से नहीं आ सकता, क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है कि हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करें, ठीक है। यस सर, अब यहां देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे इक्वेशन में
कुछ पीटी है तो मैंने पीटी लिख दिया, पी नॉट बी नहीं है, पी नॉट टी नहीं है, जो हमें निकालना है तो इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जिसे निकालना है हमें उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जेटा बी है क्वेश्चन में, जेटा बी है इक्वेशन वाले क्वेश्चन में, जेटा बी है, लेकिन जेटा टी है क्या इसमें? नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे हटाएंगे। जेटा बी प्लस जेटा टी इज इक्वल टू क्या होगा दिव्यम? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इक्वल्स टू सर इस इक्वेशन के बेसिस पर बताना। हाँ, और कुछ दिया नहीं है ना हमें, इक्वेशन इसी टाइप का इक्वेशन बना के हमें कंपेयर करना पड़ेगा बस। ये वाला जो क्वेश्चन सवाल पूछा हूँ अभी, बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन इक्वल्स टू क्या होगा? नहीं याद आ रहा? बता दीजिए। हाँ मैंने क्या बोला था आपसे कि जब कंटेनर में वो कोई दो या तीन चीजें प्रेजेंट है, जस्ट सपोज ए और बी प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, दोनों का इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? वन होगा कि नहीं? ये डिराइव किया था मैंने, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जेटा टी का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाला हमने? क्योंकि क्वेश्चन वाले इक्वेशन में, क्वेश्चन वाले इक्वेशन में जेटा टी नहीं था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी प्लस पी नॉट टी, ठीक है, और जेटा टी की जगह वन माइनस जेटा बी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यस अब यहाँ पे पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट टी और माइनस पी नॉट टी जेटा बी हो जाएगा कि नहीं? अब इसे मैं क्या करता हूँ, पी नॉट टी इस वाले को बाहर लेता हूँ और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट बी जेटा बी माइनस पी नॉट टी जेटा बी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे बस मैंने ये किया है आपका कि पी नॉट टी को पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिखा है, ताकि कॉमन ले ओके सकूं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, पी टी इज इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट टी, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन इन दोनों में? मतलब एक्स बी जेटा भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने जेटा भी ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा अपने पास, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी बचा कि नहीं? सर अब अपने पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन था वो क्या था, पी टी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 जेटा भी, यही था ना? यस सर अब कंपेयर कर लेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी टी, पी नॉट टी इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से सीधे सीधे दिख गया आपको पी नॉट टी इज इक्वल टू 100 mmHg, ठीक है। उसके बाद जेटा बी इज इक्वल टू जेटा बी, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, तो कंपेयर करने के बाद पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी इज इक्वल टू 60, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 100, तो उधर जाके ऐड होके जो पार्शियल सॉरी प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 160 mmHg। समझ आया? यस क्लियर है? सर ठीक, ऐसे लिख लीजिए आप। हो गया, तो 1 सेकंड सर। ठीक।
यस सर, हो गया। चलिए, यहां तक समझ आ गया ना? चलिए, अब यस देखिए, सर। रॉल्स लॉ में मैंने आपको बता दिया था। अब इस पे एक रॉल्स लॉ में ग्राफ आता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी आएगा। यहाँ देखिए बस, ठीक है। जेटा ए जेटा बी की बात करेंगे, ए और बी से जो मैंने समझाया था वेपर तो ये नया प्रेशर, टॉपिक है। नहीं वो जो हमने डेराइव किया था इसी का ग्राफ है, ठीक है, इसी का ग्राफ है। अब देखिए यहां पे क्या है कि जेटा ए है, जस्ट सपोज यहां पे अपने पास प्योर ए है, यानी अगर प्योर ए है, अकेला ए है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी वन होगा, होगा कि नहीं? यस सर। और यहां बी नहीं है तो बी तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? जीरो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्योर बी ले लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन होगा। प्योर बी का मतलब क्या है, ए तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, वो करते हैं हम वेपर प्रेशर या प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। क्लियर है? यस सर। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही होगा ना? यानी यस सर, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, सीधा आएगा। तो देखिए यहाँ पे बी प्रेजेंट है तो यहाँ पे पी नॉट बी आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ए प्रेजेंट है तो सपोज इसको ऊपर ले लिया मैं थोड़ा सा, पी नॉट ए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके वजह से ग्राफ क्या आएगा, सीधा आएगा। यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे आता है, ये ऊपर से नीचे नहीं गया है, बेसिकली ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, मैंने ऊपर से नीचे खींच दिया वो आसानी के लिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक सर स्ट्रेट आपका लाइन आएगा वॉइस कि नहीं? बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है? हेलो, हाँ ठीक ही है। अच्छा, इधर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अगर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, सीधा सीधा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सुनाई दे रहा है दिव्यम? यस सर। और सिमिलरली बी का भी ग्राफ होगा तो वो भी क्या आएगा, सीधा सीधा आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहा है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास कि पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी। ये जो लाइन है बेसिकली ये पी बी के लिए है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से क्या हो रहा है कि पी बी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर होगा प्योर वो यहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करते करते ये सीधा ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे ये जो पी नॉट ए है बेसिकली ये वाला लाइन पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए वाला, ये वाला लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ए जीरो है तो इसका ए का पार्शियल प्रेशर जीरो है। यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, जीरो है ना। जीरो है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है जीरो होगा, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इस पॉइंट पे जीरो है। और धीरे धीरे मैंने बी को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम पे प्योर कर दिए बी को, तो यहां मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होगा कि नहीं इसका? यस सर।
सिमिलरली ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, ए को धीरे धीरे बढ़ाते गए और यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो दोनों का ज्वाइनिंग लाइन होता है, ठीक है, यही होता है आपका पी टोटल, और पी टोटल इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, या फिर पी ए का वैल्यू क्या होता है आपका पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी और यहाँ भी रॉल्स लॉ के लिए भी। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। इसमें करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे लाइन खींचना है ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जेटा ए इज इक्वल टू वन है तो यहाँ पे पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ जेटा बी इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे जीरो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ जेटा बी इक्वल्स टू वन है तो यहाँ पे पी नॉट बी हो जाएगा, यहाँ जेटा ए इज इक्वल टू जीरो है तो इसलिए इसका प्रेशर क्या आ जाएगा जीरो यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये पी टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लिखिए आप, ये प्रेस करिए, यस सर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये वाला टॉपिक मैंने आपको कवर कराया था? नहीं सर। ठीक, चलिए यहां देखिए क्या है अपने पास, यहां एक कंटेनर है अपने पास जिसमें ए ए ए प्रेजेंट है आपका, मतलब ए ए ए प्रेजेंट है यानी ये प्योर है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है पी नॉट ए लग रहा है, पी नॉट ई का मतलब क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और हमने इसमें क्या किया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया एक बड़े से कंटेनर में, थोड़ा बड़ा कंटेनर में इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो यानी ए भी आ गया कहीं बी भी आ गया, ए बी ऐसे आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? हेलो। यस सर। अब यहां पे जब मैंने बताया था जब भी एक से ज्यादा चीज आ जाती है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, बी तो कोई प्रेशर नहीं लगाएगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में प्रेशर लगाएगा क्या? नो सर। तो यहाँ पे हम बस पी ए लिख देंगे और पी ए का मतलब क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सबसे पहला ये सवाल आता है कि पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए होगा या पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए होगा या पी नॉट ए लेस देन पी ए होगा या फिर नन ऑफ दिस,
क्या लगता है आपको, जब ये प्योर था तब प्रेशर, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा था पार्शियल प्रेशर से, या ये ज्यादा था ये कम था, या दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे? सर जो हमारा सॉल्यूशन निकला है मतलब ए बी वाला कंटेनर तो वो ज्यादा होगा क्योंकि उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का नेचर क्या है? एक वॉलेटाइल है और दूसरा क्या है? तो दूसरा नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए इसमें होगा क्या, आंसर इज, सर आंसर जो होगा आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये प्योर है तो पूरे के पूरे सरफेस एवापोरेट कौन होता है, वेपर प्रेशर क्रिएट कौन करता है? सरफेस मॉलिक्यूल, पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस सर तो यहां पे जब ये प्योर होगा तो पूरे के पूरे सरफेस पे ए ए होंगे, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होंगे, एवापोरेट होंगे, वेपर क्रिएट करेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन जब ये मिक्स किया गया तो बी का तो वेपर प्रेशर जीरो होगा, होगा कि नहीं? यस सर लेकिन कहीं कहीं सरफेस पे बी भी प्रेजेंट होगा, जैसे ये है, और ए का जो मॉलिक्यूल होगा सरफेस मॉलिक्यूल वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल्स भी उसके ऊपर होंगे। जैसे मैंने लिखा है ए बी ए बी ए, बी के नीचे इधर ए फंस जाएगा, इस बी के नीचे ए फंसा हुआ है, तो जो एवापोरेट होगा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ कितना क्रिएट कर रहा है, एक तरह से समझ, एग्जाम्पल ले के चले तो वेपर प्रेशर 3 क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ कितना क्रिएट कर रहा है, 5। तो जो प्रेशर होगा यस सर वेपर प्रेशर वो किस में होगा, प्योर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन टोटल प्रेशर ऑफ ए, सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बी का तो कोई प्रेशर नहीं है, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसको। समझ आया? बट सर सर जी जैसे ए तो वोलेटाइल है एंड बी नॉन वोलेटाइल है तो सर वो हाँ, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए क्योंकि बी भी तो उतना ही वर्थ है जितना ए है मतलब देखिए अब यहाँ एन पे ध्यान टोटल से वर्थ देखिए, उतना ही। एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये प्योर है, ठीक है, जब ये प्योर है तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ए ए ए ए ए होगा, पूरा का पूरा ए होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए, यस सर और ये सारे के सारे एवापोरेट होंगे। जब मैंने इसमें बी मिलाया, सॉल्यूट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा तो हो ही सकता है कि ए के ऊपर, जैसे ए ए था, इसके ऊपर बी आ गया, फिर ये ए वाला नीचे चला गया, ठीक है, फिर ए आ गया, फिर बी इधर आ गया, फिर बी यहाँ है, इसके नीचे ए चला गया, ए बी ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर अब यहाँ पे जो एवापोरेट होंगे, बी तो होगा नहीं, ये बी होगा नहीं होगा, अब जो जो सरफेस मॉलिक्यूल पे जो एवापोरेट होने वाले हैं बेसिकली, उनका नंबर डिक्रीज होगा कि नहीं? यस सर तो पहले तो बहुत सारे थे, मतलब जितने थे सब एवापोरेट हो रहे थे, लेकिन अब की बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया है हमने, जिसके वजह से जो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे दब गए और उनको एवापोरेट नहीं होने दिया, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं? यस सर तो यहाँ पे जो पी नॉट ए जो होगा ग्रेटर देन पी ए होगा, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। यहाँ पे प्योर में पूरे के पूरे सरफेस मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा, यहाँ पे कुछ बी जो होंगे वो कुछ ए जो होंगे वो बी के नीचे आ जाएंगे, जिसके वजह से वो पूरे तरीके से एवापोरेट नहीं हो पाएंगे, थोड़े टाइम बाद होंगे उसकी अलग बात है, लेकिन एट द टाइम नहीं होंगे, तो बी ए को ओके दबा सर देगा, जिसके वजह से इसका प्रेशर ज्यादा होगा। ये समझ आ गया? यस सर अब देखिए इसे लिख लिया आपने, ये वाला ऑप्शन जरूर लिखिएगा। यस सर ये लिख लिया। चलिए अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वही रॉल्स लॉ, पी ए जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेटा ए, और पी ए इज इक्वल टू, सीधा सीधा मैं लिख दूँ, पी पी नॉट ए जेटा ए लिख सकता हूँ, ये रॉल्स लॉ तो यही कहता है ना, यस सर
अब देखिए यस यहाँ सर, पे एक फॉर्मूला बन गया ये। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे नहीं, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां से ये चीजें कनेक्ट करती हैं कुछ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये दोबारा पढ़ेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो चीजें था अपने पास, ए और बी, ठीक है। तो हमें जेटा ए प्लस जेटा बी अगर मैं लिखूं तो इक्वल्स टू में क्या आएगा, जेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, तो वन वन होता है। ठीक है, तो बस देखिए बी क्या था अपने पास, सॉल्यूट था। क्या था, बी सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट के टर्म में ये इक्वेशन लाना है, ठीक है। तो जेटा बी जेटा ए इक्वल्स टू वन माइनस जेटा बी हो जाएगा कि नहीं, लिख सकते हैं। यस सर, अब यहाँ पे ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपने पास क्या है, पी ए इज इक्वल टू है पी नॉट ए जेटा ए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू, जी सर आप एक स्लाइड प्लीज पीछे चल जाएंगे, बस थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, ठीक। थैंक यू। हो गया, यस सर, थैंक यू। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पे जेटा ए का वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है, वन माइनस जेटा बी। हमें बेसिकली सॉल्यूट के टर्म में लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस जेटा बी इक्वल्स टू यहाँ पे पी ए है। अब पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जेटा बी, यही होगा ना। यस सर, अब इसको हमने इधर लाना है और इसको इस साइड लाना है, ठीक है। तो पी नॉट ए जेटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। अब यहां देखिए ये पी नॉट ए क्या था, इनिशियल था, ठीक है, और ये क्या है, फाइनल है। एक तरह से देखे पी नॉट ए प्योर है और ये पी ए जो है आफ्टर मिक्सिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। जस्ट सपोज इनिशियली 10 atm था या 10 mmHg था, ठीक है, और बाद में 5 mmHg हो गया, तो हम अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाले तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना लोअर्ड हुआ है, 5 mmHg हुआ है। बात समझ आया, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कितना लोअर्ड हुआ है, कितना कम हुआ है वेपर प्रेशर। मैंने पहले ही बताया है कि जो इनिशियल होगा प्योर वेपर प्रेशर होगा आपका, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जब टर्म बन जाता है, ठीक है, ये तो बस था आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब फिर इनिशियल वाले से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, इसे लिख लीजिए. ये वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, पी नॉट ए जो है आपका, ये क्या है, पी नॉट ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये सॉल्वेंट था. पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट ए लिख ही दिया हूं तो इसे लिख लीजिएगा. यस सर, एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये जो जैसे डेरिवेशंस है आते एग्जाम्स में हमें लिखने को, आप डेरिवेशंस ध्यान में रखिएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, डेरिवेशंस तो नहीं आए, नहीं आती ना. नहीं, वैसे पूछ सकता है कभी कभी, और सॉलिड स्टेट में पूछता है, यहाँ तो नहीं पूछेगा. ठीक है, यस सर, आगे बढ़े. यस सर, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg. Find vapor pressure of solution containing 30 gram urea solution in 72 gram of water. करिए. ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर बताऊं मैं? सर आप एक बार बता दीजिए. जेटा बी इज इक्वल टू क्या था अपने पास, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए. ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये क्या है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है या फिर मैंने लिखा था पीपी ऑफ सॉल्यूशन, यही तो निकालना हमें। जेटा बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का क्या है ये सॉल्यूट है, मैंने लिखा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसमें प्रेजेंट है वाटर इज इक्वल टू अ वैल्यू, लिखते जाइए पी नॉट ए प्योर, तो यहाँ दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 माइनस, ये तो निकालना है पी ए अपॉन में क्या हो जाएगा 60, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्यूट क्या होगा, यूरिया सॉल्यूट है या वाटर है बताइए जल्दी जरा। सॉरी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। यूरिया 30 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्यूट है या यूरिया सॉल्यूट है, इसमें से सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है? सर 30 ग्राम यूरिया तो सर सॉल्वेंट हो गया ना, क्योंकि वो ऐड हो रहा है उसमें वाटर में, 72 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सॉल्यूट कौन है सर वाटर होगा ना, वाटर में ऐड हो रहा है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, लेसर इन अमाउंट को सॉल्यूट कहते हैं और लार्जर इन अमाउंट को सॉल्वेंट कहते हैं तो उल्टा बोल रहे थे आप। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम ये सॉल्यूट की बात करें तो गिवन मास कितना है आपका 30 ग्राम और यूरिया का मोलर मास कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 60 हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.5, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो गिवन मास कितना है 72 अपॉन मोलर मास आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 4 मोल्स, तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 4, तो 60 माइनस प्रेशर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 60, बस इसे सॉल्व करना है अब अपने को, 0.5 अपॉन में आ जाएगा 4.5 इज इक्वल टू 60 माइनस पी ए अपॉन पी 60, तो ये डेसिमल से डेसिमल खत्म कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 9 45। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 1 है 1 into 60 60 आएगा, ये 3 9 6 54 माइनस 9 पी ए, पी ए को इधर लेके आते हैं इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे 9 पी ए पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस होगा, तो कितना दिख रहा है आपको 480 दिख रहा है। Yes, sir. तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 अपॉन 9, तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए 9 5 45 53 point something MMHG आया। Yes, sir. अब मैंने बोला था आपसे इसका प्योर वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर से, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट से, तो यहाँ पे कितना है 53.5 कम आया है कि नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो सर जैसे अगर हम इनकेस अगर नहीं करते, अगर ऑब्जेक्शन की बात करो नहीं करते तो सर ज्यादा ही आता। क्या निकाल रहे थे हम, टोटल टोटल प्रेशर ज्यादा आता। सर जैसे आपने कहा ना कि हमने नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कम आया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेसिकली प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब निकालेंगे और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए रहेंगे तो वो हमेशा कम आएगा, और वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो जनरली ज्यादा होते हैं क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, ये लिख लिया आपने। हेलो, हाँ लिख लिया आपने ये। यस सर, ये हो गया, चलिए मैं साथ साथ लिख रहा था। चलिए मैं वो दिखा रहा हूँ, अभी आपने जो पूछा यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है, तो हमें इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना था, ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर भी निकालना था, तो पार्शियल वेपर प्रेशर जब हमने निकाला तो 37.5 और इसका 10 mmHg आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितना है 47.5 mmHg आया कि नहीं, और यहाँ पे जो प्योर वेपर प्रेशर है बेसिकली इन लोगों का प्योर वेपर प्रेशर
इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है ज्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल वेपर प्रेशर, और इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू टोटल वेपर प्रेशर। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने इथेनॉल और मिथेनॉल को मिक्स किया, तो यहाँ क्या हुआ कि इथेनॉल में बेसिकली आपका जो इथेनॉल का प्रेशर है वो डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वेपर प्रेशर कम क्रिएट होता है। समझ आया? यस सर। जैसे C2H5OH इथेनॉल ग्लाइकोल ग्लिसरॉल हमने किया था, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें उतना कम वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वगैरह होते हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास आता है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। यहाँ अपने पास दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। एक होता है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन, और जो दूसरा होता है अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, अभी बस मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी की जो कंडीशन होती है, सबसे पहला वो एक तो होती है आपका रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेल्टा वी मिक्स, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपके पास डेल्टा एच मिक्स, फोर्थ आ जाता है आपके पास इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शंस, फिफ्थ आ जाता है आपके पास डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ये दोनों केस में ही सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली रॉल्ट्स लॉ जो फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बस एक चीज से डिसाइड नहीं करते, और भी चीजें होती हैं। ये जो नीचे तीन और लिख रखा है डेल्टा वी मिक्स, ठीक है, अगर डेल्टा वी मिक्स जीरो होगा, मतलब ए और बी अलग अलग वॉल्यूम है और मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जैसे जस्ट सपोज एक ए है अपने पास और यहाँ पे बी है, ठीक है, इसका वी वन है इसका वी टू है। अब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी आ गया और ये वी हो गया, तो वी माइनस वी वन प्लस वी टू जो होगा जीरो होगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर डेल्टा एच मिक्स जीरो नहीं हुआ तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इंट्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे ए है तो ए ए ए में जो इंट्रैक्शन होगा, जैसे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, ए मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे ए ए ए होंगे और यहाँ पे भी क्या होगा बी 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 होंगे, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए ए के बीच है और बी बी के बीच है, वो दोनों को मिलाने के बाद जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों बराबर होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्लियर है दिव्यम? अभी इसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अब यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यस सर। तो इसे आप अच्छे से करके रखिएगा, मैं आज सर से बात कर लूंगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए, क्यों वो जो मिस हुआ था, क्योंकि इसके बाद जस्ट एक और क्लास है, तो किसी और दिन रखे जिस दिन मेरा फ्री टाइम हो, ठीक है। यस सर। तो आप जितना मैंने पढ़ाया उसको कंटिन्यू अच्छे से करके रखिएगा, और ये आइडियलिटी नॉन आइडियलिटी अच्छे से करके आइएगा, मतलब पढ़ के आइएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू सर।